दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मंथ वाइज या फिर क्वार्टरली जीएसटी टैक्स के सेट ऑफ की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा प्रीवियस जो वीडियो था उस वीडियो में हमने सीखा था भी जीएसटी में जीएसटी इनपुट क्या होता है, जीएसटी आउटपुट टैक्स हम किसको कहते हैं, आईटीसी क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में हमारे टैली सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ हमने एक्सेल चार्ट में ये सब कुछ सीखा था। और ये भी हमने सीखा था कि अगर हमारा प्रीवियस यानी कि लास्ट मंथ का अगर कोई आईटीसी हमारा बचता है तो उसे हम नेक्स्ट मंथ में किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मंथ वाइज उसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेटअप करने की जो एंट्री है उसको करना सीखेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है भी जीएसटी में इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो प्लीज इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं समझोगे तब तक जो हमारा आज का ये जो वीडियो का जो प्रैक्टिकल सेशन रहने वाला है इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो यही है भी हम जो मंथ वाइज जो हमारा टैक्स हम यूटिलाइज करते हैं सीजीएसटी का आईजीएसटी टैक्स के साथ या फिर आईजीएसटी का एसजीएसटी के साथ उसकी एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में भी करना सीखना है। तो दोस्तों जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें हमने जून मंथ में कुछ ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर से डाटा हमने लिया था, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे जून मंथ को, तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पर और जीएसटी रिपोर्ट पर हम जाएंगे जीएसटीआर 3B पे और यहाँ पर हम मंथ देंगे 1/6 से 30/6 का। तो इसमें आप देख रहे हो हमारे पास जो टैक्स है ये टैक्स की डिटेल हमने सारी यहाँ पर पिछली वीडियो में उतार दी थी। तो अब यहाँ पर देख रहे हो जो पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमारे पास इनपुट के रूप में सीजीएसटी और टैक्स और एसजीएसटी टैक्स कुछ भी नहीं था जबकि आईजीएसटी टैक्स था और हमारा आउटपुट बनता था सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में और आईजीएसटी भी था, लेकिन जो हमारा जितना हमारा सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स था आउटपुट उसको हमने आईजीएसटी टैक्स में यूटिलाइज कर लिया था, जिससे कि हमारा जो नेट बैलेंस है आईजीएसटी का वो 6,684.18 का रह गया था। तो इसकी एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में करनी है मंथ वाइज। तो सबसे पहले हम एक बार बैलेंस देख लेते हैं हमारे जीएसटी टैक्स का, ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाएंगे और यहाँ पर 1/6 से 30/6 तक का पीरियड देंगे। F6 के डिटेल के साथ अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हो हमारे पास जो नेट एक्सेस जो आ रहा है जीएसटी का टैक्स के रूप में वो 6,684.18 का आ रहा है और यही हमारा इस एक्सेल शीट में आ रहा है 6,684.18 का। तो अब यहाँ पर तो हमने एक्सेल के अंदर तो इस टैक्स को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, तो एडजस्ट किस प्रकार से किया आप देख सकते हो भी हमारा जो आईटीसी है वो 16,065 है और आउटपुट हमारा 5,655 है, तो ये तो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका जो बैलेंस है वो हमारा 10,409.28 रह जाएगा, जबकि यहाँ पर ये हमारा टैक्स है जो हमने जो कैलकुलेशन करी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो भी हमने हमारा जो टैक्स था आईजीएसटी का 10,409.28 उसमें से हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स की जो हमारी लायबिलिटी बनती थी उसको भाई माइनस कर दिया, तो इसलिए इसका आईटीसी का जो नेट बैलेंस है वो 6,684 हो गया है। तो और जो नेक्स्ट मंथ जो हमारा था जुलाई का जो उसके अंदर हमने आईजीएसटी टैक्स के रूप में हमारा आईटीसी जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो इतना ही किया था 6,684.18 का। तो इसकी एंट्री हम करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए वाउचर पर हम जाएंगे, इसके लिए हम एंट्री के लिए F7 यानी कि जनरल वाउचर का हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें पता होना चाहिए भी हम डेबिट किसको करने वाले हैं, तो दोस्तों हम डेबिट जो करेंगे वो करेंगे सीजीएसटी टैक्स को और एसजीएसटी टैक्स को, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पेबल आ रहे हैं, तो इसको हम 1,862.55 और 1,862.55 के साथ में डेबिट करेंगे। तो सीजीएसटी टैक्स तो 1,862.55 और इसी तरीके से एसजीएसटी टैक्स ये भी सेम अमाउंट 1,862.55 और हम अब आईजीएसटी टैक्स को क्रेडिट कर देंगे यानी कि 3,725.10 एक साथ। तो यहाँ पर हम इसका जो नरेशन है वो हम टाइप कर देंगे भी जो हमारा लोकल का जो टैक्स है सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स उसको हमने आईजीएसटी टैक्स में यूटिलाइज कर दिया है, इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे।
और अब हम बैलेंस शीट पर जाके इसका अगर इफेक्ट देखेंगे, एल टैफ वन और 1/4 से लेके और 30/6 तक की रिपोर्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी भी आपको यहाँ पर 6684 रुपये दिखाई दे रहे हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब आपको केवल और केवल IGST टैक्स की ही फिगर है जो शो करेगी, एक ही लेजर आपको शो करेगा। SGST टैक्स और CGST टैक्स अब आपको शो नहीं करने वाला, क्योंकि हमने उस वाउचर की उन सभी लेजर की ये जनरल एंट्री हमने पास कर दी है। इसी तरीके से हम पास करेंगे नेक्स्ट मंथ की वाउचर पर जाएंगे 31/7। तो 31/7 की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर जो हमारे पास जो टैक्स है वो ऑलरेडी एक्सेस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अब इनपुट जुलाई मंथ के अंदर CGST टैक्स और SGST टैक्स ऑलरेडी हमारे पास है जो एक्सेस आ रहा है, और IGST टैक्स भी मतलब एक्सेस आ रहा है। तो अब इस मंथ के अंदर हमें कोई भी जनरल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका जो हम बैलेंस देखेंगे जुलाई 2021 के अगर बैलेंस शीट देखेंगे, तो वहां पर हमें जो ड्यूटीज एंड बैलेंस का जो शो करेगा अमाउंट वो 32,388 रुपये और 96 पैसे ही शो करेगा। तो बैलेंस शीट पर हम जाके एक बार वेरीफाई इसको कर लेते हैं 1/7 से लेके 31/7 तक। तो आप यहां पर देख रहे हो 32,388 रुपये और 96 पैसे। इस पर अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर तीनों लेजर है जो शो करेंगे, और ये तीनों लेजर की शो की अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा भी आपका 7,098 रुपये और 69 पैसा, और ये सेम हमारा SGST की अमाउंट, और ये 18,191 रुपये 58 पैसे IGST की अमाउंट। तो ये फिगर आपको यहाँ पर शो करेगा। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट मंथ की, वाउचर पर जाएंगे 31/8 को। अब 31/8 में क्या था, नेक्स्ट मंथ में हमारे पास जो टैक्स था CGST और SGST का वो तो हमारे पास एक्सेस था ही, और जो IGST का जो टैक्स था ये हमारा अब पेबल आ चुका था। अब पेबल आने का कारण, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो 32,124 रुपये और 84 पैसे का हो गया था, और IGST हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड आया था वो 18,191 रुपये ही था। तो इसलिए हमारा 13,933 रुपये और 26 पैसे का IGST का जो टैक्स है वो हमें भरना पड़ गया। तो इसको हम CGST टैक्स और SGST टैक्स के साथ है जो पहले सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद में नेट लायबिलिटी हमारी बन जाएगी 5,595 रुपये और 84 पैसे की। तो इसकी एंट्री हमें किस प्रकार करनी है, तो इसके लिए हम अब वापस जो डेबिट करेंगे वो करेंगे IGST टैक्स को। अब IGST टैक्स की जो अमाउंट है वो दोनों जो हमारे पास CGST और SGST की दोनों की जोड़ के जो अमाउंट हमारे पास बनती है वो डेबिट करेंगे 4,370 रुपये और 42 पैसे, वो इन दोनों का टोटल है। तो 4,370 रुपये और 42, और उसके बाद में CGST टैक्स को हम सेट ऑफ करेंगे 2,188 रुपये और 71 पैसे से, और इस तरीके से SGST टैक्स को। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इनका जो बैलेंस है वो अब जीरो हो चुका है, क्योंकि हमने इसको IGST में यूटिलाइज कर दिया है। अब हमारा जो बैलेंस देखेंगे बैलेंस शीट में जाके, तो 9,555 रुपये आपको अमाउंट यहाँ पर शो करेगा, और अभी जो लेजर आपको जो शो करेगा IGST का ही, क्योंकि हमारी IGST टैक्स की ही अब लायबिलिटी बन रही है, CGST SGST को हमने जो इसके अंदर यूटिलाइज कर दिया है। तो अब हमें जो डिपॉजिट कराने पड़ेगा 9,555 रुपये 84 पैसे, जब हम उसकी पेमेंट की एंट्री कर देंगे, जब हमारी जो हम डिपॉजिट करवा देंगे तो उसके हम पेमेंट वाउचर में भी इसकी एंट्री कर देंगे। F5 पेमेंट वाउचर हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम IGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे 9,555 रुपये और 84 पैसे, और जिस बैंक के साथ हमने ये डिपॉजिट करवाया उस बैंक को हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, और उसके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर सबमिट करके और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका कोई भी टैक्स है, अब मान लीजिए जैसे इस तरीके से है, अब जो टैक्स एडजस्ट होना है वो कहाँ पर किसके साथ होना है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास CGST टैक्स है, अगर ये CGST टैक्स की लायबिलिटी अगर हमारे पास बन जाती, मान लीजिए हम इसको एक बार रफली डाटा चेंज करके देखते हैं, मान लीजिए अब आपका जो आउटपुट टैक्स है वो 8,000 रुपये बन जाता है, और यहाँ पर भी आपका 8,000 रुपये बन जाता है, और आपने ITC इस मंथ के अंदर ले लिया, मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट से आपने परचेज कर लिया IGST की, वहाँ से आपको 35,000 रुपये का इनपुट मिल जाता है। तो अब उसके साथ आपका जो टोटल इनपुट हो जाएगा वो इसके साथ प्लस हो जाएगा 35,000 प्लस 18,191, तो इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 53,191 रुपये और 58 पैसे का ITC हो जाएगा, और आपका जो आउटपुट है वो 32,000 ही है,
तो अब इसमें से अगर हम लेस करेंगे तो आप देख रहे हो अब 21,066.74 रुपये आपका IGST टैक्स है जो एक्सेस हो गया है, और जबकि आपका जो CGST टैक्स और SGST टैक्स है वो आपकी डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी अब यहाँ पर बन गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टैक्स को सबसे पहले हम IGST टैक्स को CGST के साथ एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी की जो अमाउंट है वो हमारी 901 रुपये उसको SGST के साथ में एडजस्ट कर लेंगे। तो लेकिन जो एडजस्ट होने वाली कहानी है वो CGST टैक्स को हम IGST टैक्स के साथ कर सकते हैं, IGST को CGST के साथ हो जाएगा, SGST IGST के साथ और IGST SGST के साथ। लेकिन CGST टैक्स और SGST टैक्स और CGST टैक्स है ये आपस के अंदर एडजस्ट नहीं होंगे। अगर इसी में से किसी एक की भी लाइबिलिटी अगर आपकी बन जाती है डिपॉजिट करवाने की, तो उसके अंदर आपको भरना पड़ेगा SGST टैक्स को। कैसे भरना पड़ेगा, चलो हम इसी के अंदर एक्सेस करके देख लेते हैं एक बार। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 35,000 के बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं 33,000 रुपये, ये भी हमारा अभी भी चलो एक्सेस चल रहा है, हम यहाँ पर लेते हैं 10,000 रुपये। तो अब 10,000 में ये एक्सेस आ गया, 12 करके देखते हैं, 14 करके देखते हैं भाई। 14 के अंदर आप देख रहे हो भी हमारा जो पिछले महीने का जो बैलेंस था वो 18,191 रुपये, 14,000 रुपये इस महीने का ITC, तो टोटल 32,191 रुपये और 58 पैसे का जो हमारे पास इनपुट बन गया, और 32,124 रुपये का हमारा आउटपुट है। तो इस तरीके से 66 रुपये और 74 पैसे का जो अमाउंट है वो अब हमारा IGST में एक्सेस बना हुआ है, लेकिन 901 रुपये और 901 रुपये ये हमारा डिपॉजिट है। तो हम इसको सबसे पहले CGST को एडजस्ट हम कर देंगे। तो CGST को एडजस्ट करने के बाद में यानी कि 901 में हम 66 रुपये और 74 पैसे माइनस करेंगे, तो 901 माइनस 74, तो अब आपकी जो टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो लायबिलिटी बनेगी वो CGST के टैक्स के रूप में तो आपको 834 रुपये और 57 पैसे डिपॉजिट करवाना है, और जो डिफरेंस है 901 रुपये वो आपको SGST टैक्स के रूप में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की जो सेट ऑफ की एंट्री है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ।